तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के जंगलों में रहने वाला खूंखार डाकू कुसे मुनिसामी वीरप्पन, जिसे वीरप्पन के नाम से जाना जाता था, जो 36 वर्षों तक इन जंगलों में राज किया। तमिलनाडु और कर्नाटक की सरकार ने इसे पकड़ने के लिए 100 करोड़ से भी ज्यादा पैसा खर्च कर दिया था। ये कितना खूंखार था, इस बात से आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि इसने 184 से भी ज्यादा लोगों को मार डाला, जिसमें 97 तो पुलिस ऑफिसर थे, जबकि 2000 से 3000 हाथियों को भी उसने उनके दांत के लिए मार डाला। वीरप्पन कई तरह का स्मगलिंग किया करता था, जिसमें सबसे ज्यादा चंदन की लकड़ी और हाथी दांत। ये जिन जंगलों में रहता था वहाँ चंदन के पेड़ काफी प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे। वीरप्पन ने अपने चाचा सालवाई गोंडर के साथ आपराधिक जीवन की शुरुआत की, जो खुद एक कुख्यात शिकारी और चंदन लकड़ियों का स्मगलर। 1952 में कर्नाटक के गोपीनाथम कोल्लेगल में जन्मा वीरप्पन कई फेमस हस्तियों का भी किडनैपिंग किया करता था, जिसमें फेमस एक्टर राजकुमार और कर्नाटक के पूर्व मंत्री नागप्पा जैसे लोग थे।